आज भारी संख्या में कमणीय बाबा के जलाभिषेक के लिए पहुंचे हैं। हरा हरा महादेव, बोलो चतुरेश्वर महादेव की, चतुरेश्वर महादेव की, चतुरेश्वर महादेव की, हर हर महादेव, हर हर। पूनम सागर का दिवस स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आज भारी संख्या में कमणीय बाबा के जलाभिषेक के लिए पहुंचे हैं। हरा हरा महादेव, बोलो चतुरेश्वर महादेव की, चतुरेश्वर महादेव की, चतुरेश्वर महादेव की, हर हर महादेव। स्वागत करें स्वामी जी का, हाथ जोड़कर आप लोग स्वामी जी का वहीं से आशीर्वाद लें। हमारे एडवोकेट रवि व्यास जी आशीर्वाद लेते हुए, इनके ही प्रयास से, अजय राजपूत जी के प्रयास से, के तिवारी जी नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं मीरा रोड में। यहाँ पर भव्य रूप से कांवड़ यात्रा का आयोजन मीरा भाईंदर के तेज तर्रार नेता रवि व्यास द्वारा किया गया था। आप देखिए हमारे पीछे भारी संख्या में भक्तगण हैं। यहाँ पर चतुरेश्वर महादेव का मंदिर है, सभी लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। यहाँ पर जैन मुनि पधारे हुए हैं, महामंडलेश्वर लखनऊ से पधारे हुए हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनका क्या कहना है। आप भी इस कांवड़ यात्रा में शामिल होने से क्या संदेश देना चाहेंगे? बोलिए। आज रवि व्यास जी की वजह से हम लोगों ने, मैं तो फर्स्ट टाइम
मेरा वहाँ अंदर में कांवड़ उठाई और अपने चतुर्भुज मंदिर में आके दर्शन किया और जल चढ़ाया। इसलिए मैं ये जरूर बोलूँगी कि रवि व्यास जी ने आज जो भी यहाँ किया बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है आज हम लोग कांवड़ यात्रा उठाए हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वागत मिला। हर हर महादेव। और क्या करा के? हेलो, बहुत अच्छा लगा। आप आज का दिन इतना अच्छा लगा, एक साथ साथ सब सीजी आ गए, ऐसा सीजी बन के आए ऐसी पर तो मैं तो उसको पाँव लगे छुआ के एक दिन के लिए सीजी बना। बहुत रवि व्यास का उम्र बढ़े और रवि व्यास आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने देखा कि महिलाएं जो उपस्थित हैं और रवि व्यास को आशीर्वाद दे रही हैं, दुआएं दे रही हैं, जिस तरह से सावन के पवित्र महीने में उन्होंने कांवड़ यात्रा निकाली है उसको लेकर के काफ़ी उत्साह महिलाओं में देखा जाता है। आइए आपको हम सुनाते हैं इस मौके पर रवि व्यास और उपस्थित महामंडलेश्वर और जैन मुनि ने इस कांवड़ यात्रा को लेकर के क्या संदेश दिया। शहर धर्म की नगरी जानी जाती है और लाखों सनातनी हिंदू इस मीरा मंदिर शहर में सालों से बसते आए और श्रावण का पवित्र महीना है। श्रावण के पवित्र महीने में हर एक हिंदू महादेव की भक्ति में रम जाता है। महिंदर पश्चिम में पिछले दो वर्षों से कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन मीरा रोड के अंदर भी भक्तों की कामना थी, उनकी भी आशा थी कि मीरा रोड के अंदर भी भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाए। तो हमने आज सुबह सिल्वर पार्क परिसर से साईं बाबा मंदिर से इस कांवड़ यात्रा का समारंभ किया। माननीय महामंडलेश्वर स्वामी चिदानंद जी सरस्वती जी के शुभ हस्ते इस यात्रा का राज्य यात्रा की शुरुआत हुई और आप देखेंगे कि हजारों की संख्याओं के अंदर बड़े ही उत्साह और भक्तिमय वातावरण के अंदर हर हर महादेव और भोले बाबा के नारों से जयकारे से पूरा मीरा रोड गूंज उठा और अपने आप के अंदर भक्तिमय वातावरण इस मीरा रोड की पवित्र धरती में ऐसी ऊर्जा आज श्रावण महीने के अंदर निर्माण हुई है जिसका बड़ा ही सकारात्मक फल मीरा मंदिर शहर के विकास पे जरूर पड़ेगा। और आज इस यात्रा का समापन चतुरेश्वर महादेव मंदिर में हुआ है। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में कांवड़िया लाइन लगाकर बाबा गंगा जल से नहलाने के लिए उनको जल चढ़ाने के लिए उत्साहित है, प्रतीक्षा कर रहे हैं और सभी एकदम नियोजन और डिसिप्लिन वे के अंदर सभी लोग इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इसके अंदर कई सारे स्वयंसेवकों की, चतुरेश्वर महादेव मंदिर के पूरे ट्रस्ट की, हमारे सिल्वर पार्क के साईं बाबा मंदिर के जो महंत हैं राज्यगुरु श्री मोहन महाराज जी, उनका भी विशेष इसके अंदर हमें लाभ मिला। आज जैन समाज के आचार्य नीलेश मुनि जी भी विशेष रूप से आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहिए, बजरंग दल के स्वयंसेवक कहिए, सभी हिंदू संस्थाओं के पदाधिकारी कहिए, सभी ने इस कार्यक्रम के अंदर बड़ा ही बढ़ चढ़ के भाग लिया है और इस यात्रा को सफल बनाया है। इस तरह की यात्राओं का आयोजन हीरा बंदर शहर में समय समय पर आगे भी होते रहेगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ, कामना करता हूँ। और पुलिस प्रशासन ने भी, पत्रकार भाइयों ने भी सुबह से ही अपनी पूरी सनातन के प्रति जो जिम्मेदारी है, समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है और आज वाकई के अंदर मन आनंदित हो चुका है। बाबा से मैंने यही कहा है कि जितने भी कांवड़िया है हमारे मीरा बंदर शहर के वासी है, उन सभी की भगवान मनोकामना पूर्ण करे, सभी का जीवन सुखमय हो, मीरा बंदर शहर जितनी प्रगति कर रहा है और आगे प्रगति करे। और जिस तरीके से माननीय प्रधान मोदी जी ने 2047 के अंदर विकसित भारत की कामना की है, हम कामना करते हैं कि मीरा बंदर शहर में भी उसी तरीके का एक विकसित शहर हम सभी को देखने मिले जिसके अंदर सभी सुविधाएं और हर एक गरीब को जो भी उसके जीवन के अंदर आवश्यकता होती है, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, सभी सुविधाएं हमारे शहर के अंदर सभी को मिले, शांति रहे, यही मैं कामना करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है श्रावण के महीने में भगवान शंकर को जल क्यों चढ़ाते हैं, इसलिए क्योंकि भगवान शंकर ने संसार को बचाने के लिए स्नान किया था, उसके शरीर में जलन होने लगी थी, जलन को शांत करने के लिए पूरे महीने भगवान शंकर को जल अर्पित किया जाता है। मीरा भाईंदर में भी कुछ असामाजिक तत्वों के कारण मीरा भाईंदर भी जल रहा था, उसके जलन को शांत करने के लिए मीरा भाईंदर के लाड़ले रवि व्यास जी ने भगवान शंकर को जल अर्पित करके यहाँ की शांति की कामना की है और उन्होंने ऐसा विश्वास जताया है कि भगवान शंकर की कृपा हो, मीरा भाईंदर में भी शांति फैले। इस प्रकार से पूरे मीरा भाईंदर को भगवा बना दिया, चारों ओर आपको एक ही एक जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं हाथ में कांवड़ लिए हुए निश्चित रूप से उत्साह उमंग है और ये
बहुत अच्छा काम हुआ, बधाई के पात्र है। शहरवासियों को क्या आशीर्वाद देंगे महाराज? यही आशीर्वाद देंगे कि जैसे भगवान शंकर ने और जहर पान करके विषपान करके पूरे विश्व की रक्षा किया, ऐसे भगवान शंकर यहाँ आज जो कांवड़ जल चढ़ा करके अपने मनोकामना मांग रहे हैं। हमारी एक ही अभिलाषा है कि पूरे मीरा महेंद्र में सुख शांति समृद्धि फैले, सभी लोग विकसित हों, विकास को महत्व देते हुए अपना कल्याण करें। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के अवसर पर कांवड़ यात्रा निकली है? आज की कांवड़ जो यात्रा है और इस सावन महीने में इस कांवड़ यात्रा का बहुत बड़ा विशेष दिन माना गया है, परंतु आज हमारे रवि व्यास जी ने पूरे मीरा भाईंदर को भगवा महक किया है और बांग्लादेश और भारत और दुनिया के अंदर बहुत अधर्मियों का आतंक मच चुका है, इसीलिए फिर से शंकर भगवान को आना होगा। और जो बांग्लादेश में चल रहा है, जो लौजियात एंटी के द्वारा हमारे हिंदू लोगों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो आज हमारे ये यहाँ के रवि व्यास जी हैं, संतोष जी राजपुरोहित थे शायद, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण इस मीरा भाईंदर में किया है, परंतु आज इस कांवड़ यात्रा के अंदर सबसे ज़्यादा दुर्गा शक्ति मुझे दिखती है कि वापस दुर्गा को जगना होगा और मरसासुर का वध करना होगा। इस कांवड़ यात्रा पे मैं इतना ही करूँगा, अब जाति वाति पे ना बटकर मात्र हिंदुत्ववादी का एक मिशन चलाए, तब जाके हमारा हिंदू राष्ट्र बने। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने देखा कि महिलाएं जो उपस्थित हैं और रवि व्यास को आशीर्वाद दे रही हैं, दुआएं दे रही हैं, जिस तरह से सावन के पवित्र महीने में उन्होंने कांवड़ यात्रा निकाली है उसको लेकर के काफी उत्साह महिलाओं में देखा जाता है। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज, मुंबई।